23 27 अध्याय उसका 17-23 तक जो वचन पढ़ेंगे, उसका 27 अध्याय उसका 17-23 तक। अथा जब इकट्ठे हुए तो फिलिपुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे कहां से पकड़ाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहना भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज सपने में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश करवाए। हाकिम ने उसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूँ? सब ने उसे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्या अमर हमने जो पढ़ा हुआ ये भाग में एक बड़ा एक गहरा चित्र हम लोग देख रहे हैं। क्या चित्र देखता, मानव जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए बलिदान होने जा रहा है, उस दिन मानव फलस्तीन में जीने वाला एक कठोर पापी को मिलने वाला छुटकारा, मुक्ति। नाम आपको समझ में आया, बराबर है ना? उस व्यक्ति को ना बड़ा गुनहगार है, मृत्यु की इंतजार में था, परंतु वो मृत्यु से बच गया और उसको पूर्ण आजादी मिला। एक चित्र को हम लोग पढ़ा हुआ ये भाग में हम लोग देख रहे, ये हम सबका एक चित्र है। प्रभास यहाँ पर हमारी एक छाया है ना? हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला अनंत जीवन का एक बड़ा चित्र हम यहाँ पर देख रहे हैं। अकबर में ये प्रवास मानव इसराइल को कैसे भी आजाद करने के लिए एक बड़ा ग्रुप बना करके निकला हुआ व्यक्ति है। इसलिए रोमी सरकार को कैसे भी तोड़ डालने के लिए कई प्रकार का वो लूटता था, मानव भयंकर भयंकर काम करता था। एक बार उन्होंने सोचा, प्रभु यीशु के पीछे भी बहुत लोग इकट्ठा हो रहा है और उन्होंने सुना है कि यीशु मसीह हमें आज़ाद करने के लिए आया है, तो बरअब्बा जाकर के प्रभु यीशु को मिलकर के बोला, यीशु अगर आप भी मेरे साथ मिल जाएगा हमारी एक बड़ा भीड़ बन जाएगा और हम जल्दी इसराइल को इसका हमारे हाथ से छुड़ा लेंगे। अब यीशु मसीह ने बोला, बरअब्बा मेरा मार्ग तेरा मार्ग नहीं, मतलब मैं जो आज़ादी देने के लिए आया वो मार्ग तेरा नहीं, मैं तेरे लिए भी जान देने के लिए आया है, मेरे लिए जान देने के लिए आया। वो एक मजाक रूप में वहां से चला गया। अभी हम देखते हैं समय आया क्या हुआ। देखो प्रभु का हरेक मतलब हरेक बात समय पर प्रकट होता। यहाँ पर क्या देता, यहाँ पर पिलातुस के सामने अभी प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। अभी प्रभु के दिन में एक गुनहगार को उनकी मांग के अनुसार छोड़ना उनके एक रीति था, तो उसके अनुसार अभी पिलातुस लोगों को बोलता है, ये तुझे बरअब्बा चाहिए या यीशु चाहिए है? तो लोगों ने क्या बोला, हमको बरअब्बा चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, उल्टा यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। देखो कितना बड़ा मांग दुनिया कर रहा था। अभी अभी यहां से हमें मतलब पिलातुस का भी न्याय होने के बावजूद भी पिलातुस का भी दिल में इच्छा था, यीशु मसीह मतलब गुनहगार नहीं है, इसको कैसे भी छुड़ाओ, इसको इनका हाथ से छुड़ाओ, उनको कैसे भी बचाओ। वहां पर लिखा जब लूका उसका 23 अध्याय के 20 वचन पढ़ना,
लूका उसका 23 का 20। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को देखा, पिलातुस ने यीशु को छोड़ने के लिए या कैसे भी उनकी हाल से बचाने के लिए पिलातुस चाहा है। लेकिन आप देखो प्रियो, भीड़ का मांग क्या था उसका, मरकोस 15 अध्याय का 11 वचन, मरकोस उसका 15 अध्याय का 11 वचन। परंतु प्रधान याचकों ने लोगों को उभारा था कि वह बरब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। देखा अभी लोगों को कौन मारा बकरा था, प्रधान याचक। देखा प्रधान याचक लोगों को बका करके वो बोलते हैं कि तुम लोग यीशु को मांग रहा, बरबास को मांग रहा और यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए मतलब ये करना। देखो कितना भारी बात है प्रिय, हम लोग जब मतलब बरबा को और प्रभु यीशु को दोनों के बारे में एक छोटा सा अगर हम स्टडी करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला हुआ छुटकारा का गौरव हम लोग बहुत गहराई में समझ सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह की आपको मालूम है, मतलब यीशु मसीह को न्याय करने वाला पिलातुस क्या बोला जब मत्ती 27 अध्याय का 24 वचन, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुलड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धर्मी के लोगों से निर्दोष हूँ। देखा मैं इस धर्मी के लोगों से निर्दोष हूँ। आप देखो प्रियो, पिलातुस को बिल्कुल मालूम इच्छा नहीं है, क्योंकि पिलातुस ने आपको मालूम है पिलातुस 3 बार प्रभु यीशु मसीह की जांच किया, 3 बार पिलातुस को ये यकीन हुआ इसमें कोई भी दोष नहीं ना। उस लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना, लूका उसका 23 अध्याय का 4 वचन। तब पिलातुस ने प्रधान याचकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। देखा न्याय करने वाला पिलातुस यहाँ पर गवाही रहता है, मैं इस पर कोई भी दोष नहीं पाता। देखो है ऐसे भी कई रीति में परख कर देखा, परंतु पिलातुस ने प्रभु यीशु पर कोई भी एक दोष नहीं देख पाया। उसका 14 वचन का भी पाठ उसी 23 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ, मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। देखा दूसरी बार भी पिलातुस बोलता है, मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। आप देखिए कुछ भी दोष उसमें नहीं। उसका 22 वचन, मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। देखा मैंने उसमें मृत्यु दंड का योग्य कोई भी पाप नहीं पाया। मैंने 3 बार यहाँ पर पिलातुस यीशु मसीह को जांच पड़ताल करके ये गवाही देता है। प्रयोग हमको ये बात को जानना है, इतना एक निष्पापी व्यक्ति ऐसा अवस्था में भी सूली पर इतना साबित मृत्यु क्यों सहा, ये बात जानना मानव जाति के लिए बहुत जरूरी बात है ना प्रियो, हम लोग ये जानने चाहिए कि नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको मालूम है शैतान कभी भी सच बोलने वाले नहीं था, लेकिन वो शैतान तक यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही दिया है आपको याद होगा, मरकोस उसका 5 अध्याय 24 वचन का भी पाठ, मरकोस उसका 5 अध्याय उसका 24 वचन का भी पाठ। मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। देखा परमेश्वर का पवित्र जन है। देखो आप देखो प्रियो, शैतान भी उस पर दोष नहीं लगा पाया। शैतान भी बोलता है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। प्रियो हमारे जीवन में है ना प्रभु यीशु मसीह की अतुल्यता श्रेष्ठता हम लोग कितना गहराई में जाना चाहिए है ना। आपको मालूम है माना इतना वजन में या व्यवस्था का इतना अच्छा यानी प्रेरित पौलुस कहने वाला बात आपको मालूम है, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन में, वो पाप नहीं जानता। क्या बोलता, वो पाप नहीं जानता। प्रियो प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं जानता। पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह पाप नहीं जानता है ना, और पत्रोस क्या बोलता
किया। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 22 वचन में वह पाप नहीं किया, वह पाप नहीं किया। देखा है यीशु मसीह पाप नहीं किया। अब योहन्ना यीशु मसीह के बारे में क्या बोला? उसमें पाप नहीं, उसमें पाप नहीं। प्रियो वो इतना निष्पाप है, वचन बार बार बाइबल बार बार गवाही देता है उसमें पाप नहीं। इवन इब्रानियों का पत्रकार लिखने वाला एक शब्द बहुत अनमोल शब्द है, क्या बोलता है इब्रानियों उसका 7:24 यीशु मसीह क्या गवाही देता? निर्बल पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ, देखा स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। देखा प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता का श्रेष्ठता हरेक पवित्र लोग जानने चाहिए। प्रियो हमारे प्रभु यीशु मसीह कितना पवित्र है। प्रियो परमेश्वर का दृष्टि में स्वर्ग तक पवित्र नहीं, प्रभु हमारा स्वर्ग से भी ऊंचा। ओह कितना बड़ी बात है ना, कितना बड़ी बात है, इतना पवित्र प्रभु। अभी आप देखिए, अभी हम बरबास का बारे में देखेगा तो बरबास का क्या क्या गुण लिखा मालूम है? तगड़ा गुनागार, सादा भाषा में बोलेगा तो एक तगड़ा गुनागार था। गुनागारों को तो बंदी बना था, है ना। माना हुआ बंदी का अर्थ एक भयंकर गुनागार, एक भयंकर मानव पापी है। अब देखिए कितना बड़ा गवाही है मरकुस उसका 15:07 में बरबा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था। देखा उन बलवाइयों के साथ बंदी था, वो कौन था बरबा? जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। हाँ बलवा कर बलवाओं में हत्या भी किया था, मतलब बहुत बड़ा एक संघर्ष हुआ। वो संघर्ष का कारण बरबा था और बरबा ने उसके बीच में हत्या भी किया। देखा हत्या करने वाला, दंगा करने वाला, भयंकर गड़बड़ी करने वाला है ना, मतलब एक भयंकर पापी, उससे भी बढ़कर के मतलब योहन्ना का सुसमाचार उसके 18:40 में मतलब हम लोग बरबा का बारे में और एक बात देखता है। उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरबा को छोड़ दो, हमारे लिए बरबा को छोड़ दो। और बरबा डाकू था। कौन था? डाकू। डाकू क्या क्या नाम है ए? वो डाकू भी था, वो लुटेरे थे, वो लूटते थे। प्रियो बरबा का स्वभाव आप देखिए, इतना एक बड़ा आवी गुनहगार बरबा। अभी पिलातोस पूछता है तुम्हें यीशु चाहिए या बरबा चाहिए, कौन किसको चाहेगा, किसको चाहना चाहिए? है प्रियो आज भी हम भी चाहते हैं क्या? आप सोचो अभी अपन ऊपर से बोल देंगे यीशु, परंतु वास्तव में हम दिल से क्या चाहता है? एक बड़ा सवाल है हमारे जीवन में। आज भी हमारे को ऐसा कोई सवाल आएगा तो हम किसको चाहेंगे, किसको मांग करेंगे? यहाँ पर पिलातुस बोलता है मैं किसको तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? प्रिय एक चुनौती है हमारे, है ना। मतलब हमारे जीवन में वो लोग एक तो मांग करते हैं हमको बरबा चाहिए, हमको बरबा चाहिए, है ना। उसका और एक बार मत्ती उसका 27:21-23 पढ़ना। हाकिम ने उनसे पूछा इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरबा को। बरबा को। पिलातुस ने उनसे पूछा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सबने उसे कहा उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। हाकिम ने कहा क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। प्रियो कितना बड़ा मांगे आप सोचिए। अभी प्रभु यीशु के लिए यहाँ पर यीशु की मांग करने के लिए एक भी जन नहीं, वहां पर एक बहुत बड़ा भीड़ खड़ा है। अभी बार बार
एक ही दिन में पांच न्यायासन में सातों बार न्याय करने के बाद में सातों न्यायियों ने एक ही साथ गवाही दिया, ये इसमें कोई पाप नहीं, ये निर्गुणागार है। अभी हमारे एक बड़ा गुणागार व्यक्ति खड़ा है, उस समय के अनुसार सबसे बड़ा गुणागार है। अभी पिलातुस बोलता है, मैं तुम्हें इसमें से किसको मैं छोड़ दो, तुम किसको चाहता है, एक चुनौती है ना। लेकिन लोगों ने यहाँ पर क्या मांग किया हमको मालूम, अभी हमने सुना है, वो बोलता है हमें बरबा को दे दो और यीशु को सूली पर चढ़ा दो। प्रियो यहाँ जो भी है दुनिया क्या बोलता है, सच्चाई को हटाओ बुराई को बढ़ने दो, क्या बोलता? मुंह से नहीं बोलता तो भी कार्य में वही आता, हमें सच्चाई नहीं चाहिए, बुराई, दादागिरी, गुंडागिरी। देखा दुनिया की अवस्था काम बढ़ गया, मतलब दुनिया आज मसीह विरोधी को स्वागत करने के लिए लोग इतना पावर बुराई में, सच्चाई बताने वालों को कौन चाहता भी हो, उनको क्रूस पर चढ़ाओ। और जो मतलब हंसी मजाक करके झूठ बोल करके हमको फंसाता है उनको हमको दे दो, वही मांगे। इतना अद्भुत है प्रियो ये दुनिया, हम लोग अभी ये दुनिया में रहता है, परंतु प्रियो आज हमारा दिल कैसा है, आज हमारे जीवन में चुनौती जब आता है तो हम किसको मांगेंगे, सच्चाई को मांगेंगे या झूठ को मांगेंगे, एक बड़ा एक सवाल है यहाँ। क्या हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले मानो यीशु मसीह जब यरूशलेम की ओर आया, उस समय में यही भीड़ वहां पर पत्ता ला करके मतलब रोड पर बिछाया, अपने कपड़ा भी बिछाया और बड़े ललकार के साथ बोला होशाना होशाना, है ना, क्या बोला था, है ना, मत्ती की सुसमाचार 21 अध्याय उसका 9 से 11 पढ़ना। जो भीड़ आगे आगे जाती हाँ और पीछे पीछे चले आती थी हाँ पुकार पुकार कर गाती थी दाऊद के संतान दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। प्रियो ये कितनी बड़ी बात है, ये एक भविष्यवाणी पूरा हुआ था, मेरा 118 भजन संहिता का 25-26 भजन में ये बात हम लोग देख सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब यही होशाना गाया हुआ हे हमारी रक्षा कर करके लोगों ने मानो चिल्लाया हुआ वही प्रभु को, अभी वही लोग बोलते हैं क्रूस पर चढ़ाओ। देखा कितना जल्दी लोगों का मन बह गया, अब देखो वही भीड़ है अभी यहां पर चिल्ला रहा है उसको क्रूस पर चढ़ाओ, कितना दुख भरा बात है ना। मतलब दुनिया के लोग कितना जल्दी पलट सकता है उसका एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत है। अब देखिए दो दिन पहले होशाना गाया वो लोग है, अभी बोलता है कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ ना। इंसान बदलने के लिए कितना समय लगता है, मतलब कल हमको फूल की माला चढ़ाए हुए लोग आगे का कल को या आज के दिन में हमको पत्रवा करेंगे, अरे कल फूल का माला चढ़ाया था तो आज पत्रवा मुझे क्यों करता, ऐसा करेगा। वो है दुनिया, ये दुनिया भयंकर है प्रियो, बड़े तारीफ करने वाले लोग भी छोटा सा बात मिल गया मौका पत्रवा करेंगे। ये हमारे यीशु मसीह के साथ हुआ है तो अपने साथ भी होगा, इसमें कोई मानो दो पक्ष नहीं है ना। ये जानना प्रियो ये दुनिया काम पर पहुंच गया, सत्य बात सिखाएगा, प्रभु के राह पर चलने के लिए प्रोत्साहन देगा, बोलेगा पत्रवा करो। ये दुनिया की अवस्था है प्रियो, है हमारा अवस्था, हम उससे कोई बिड़कर अलग नहीं है प्रियो। ये हम देखते हैं कि बरबास मानो हम हर एक व्यक्तियों का एक छाया है, है हम हर एक व्यक्तियों की एक छाया है बरबास हमारे जीवन में, है मानो मृत्यु के लिए वो नियुक्त था, मृत्यु की उस दिन में उसको मिला हुआ संदेश, प्रभु ने उसको बोला था ना बरबा मैं तेरे लिए मरने के लिए आया, है ना,
मैं तेरे लिए मरने के लिए आया। बराबर वो बाप को उस समय भी विश्वास नहीं किया है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए गया, बराबर अभी मेरे को लेकर जाएगा, अभी मुझे सूली पर चढ़ाएगा, वो इंतजार में था। उनका दोस्त को लेकर गया, परंतु बराबर का पास एक चिट्ठी दिया, बराबर तुझको छोड़ दिया, तेरे जगह पर यीशु को सूली पर चढ़ा रहे। देखा, ये बराबर विश्वास नहीं कर पाया मेरे जगह पर यीशु को। हे यीशु कितना पुण्य पुरुष है, मेरे जगह पर उसको क्यों? आपको मालूम ये तो चरित्र में लिखा हुआ बात है ना। बराबर वहां से, क्योंकि ये संदेश बराबर के पास देरी से पहुंचा, तब तक यीशु मसीह को सूर्य पर चढ़ा दुआ था। बराबर एकदम चिल्लाते हुए पागा यीशु, लेकिन जब वहां पर आया यीशु सूर्य पर था। तीसरा और अबे बात को जानना पड़े हमको बचाने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। कौन विश्वास करेगा प्रभु? जो प्रभु के लिए गुनाह पाया है वही ये विश्वास करेगा। क्योंकि आपको मालूम है जब प्रेरितों 13:48 में लिखा है, जितनी अनंत जीवन के लिए नियुक्त थे उन्होंने विश्वास किया है ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रियो, मेरी और आपकी पापों के लिए पिता ने अपने पुत्र को खुजला हमें बचाने के लिए। पिता को वो भाया है। एक बात जानना यहां पर आज भी ये संदेश, और एक बार सुनने के लिए मौका मिला हुआ लोगों में, पर आज तक कि जिसका उद्धार नहीं हुआ वो अपने चांस से एक बुढ़ाट दे रहे थे, क्योंकि वो आपके पापों के लिए मरा। दुनिया एक गवाही देता है उसमें पाप नहीं। ऐसा एक निर्गुण व्यक्ति इस पर मरने का कारण क्या है? और मेरे और आपका पापों के लिए वो मरा पियो, मेरे और आपका पापों के लिए वो मरा। ये दुनिया में जन्म होने वाला हर एक व्यक्ति के पीछे एक चिट्ठी डाल करके लगा हुआ है, एक पत्र उसके ऊपर लगा हुआ है। क्या मालूम है? मृत्यु के लिए, नरक के लिए नियुक्त। जो भी व्यक्ति उधार नहीं पाया, आप ये जानना आपका पीठ पर लिखा हुआ है, ये पापी है और ये नरक की सजा के लिए नियुक्त है। क्या प्रियो आप समझता है? अरे तो वो लेख दुनिया में कोई भी नहीं हटा सकता, ये दुनिया में कोई भी आप स्वयं नहीं हटा सकता और दुनिया का कोई मनुष्य नहीं हटा सकता, ये हटाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। उसकी मृत्यु पर जब तक आप विश्वास नहीं करोगे ये लेख आपसे हटेगा नहीं। कलवरी सूली में प्रभु ने ये लेख हमारा हटाया, ये बात देखने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह डाला ना। वचन में पड़ोसियों का पत्री 2:14-15 वचन, पीढ़ियों का वो लेख हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, हमारे विरोध में था, मिट्ठा डाला और उसे क्रूस पर जड़ कर सामने से हटा दिया है। प्रियो क्रूस पर शैतान जो भी हमारे ऊपर सत्ता चलाने के लिए अभी बोल करके हमें गुलाम बना करके हमारा जिंदगी को मुड़ते थे, परंतु यीशु मसीह ने हम बहुत प्रेम किया। यीशु मसीह हम पापियों को बचाने के लिए जगत में आया, हम पापियों का पाप का भार अपने ऊपर लिया। हो प्रियो ये प्रकाश, ये सच्चाई आपका दिल में प्रभु की आत्मा प्रकाशित करेगा तो आपका दिल कैसे नहीं टूटेगा? प्रियो आपका दिल कैसे नहीं टूटेगा? हमें प्यार करने वाला, हमें इस रीति में प्यार करने वाली दुनिया में कोई नहीं। प्रियो ये दुनिया में हमारा पापों के लिए ना, एक बार मतलब एक पति पत्नी था, पति चोर था, रोज चोरी करके ला करके पत्नी को खूब खिलाता था, पत्नी बहुत खुश था, डेली अच्छा दरबार का जीवन है। तो
एक दिन ये मानव चोरी करने वाले व्यक्ति एक मानव तपस्वी या सन्यासी का लूटा। सन्यासी ने उसको पकड़ा, सन्यासी ने उनको पूछा तुम इतना ये चोरी क्यों करता है? बोला मेरा पत्नी को खुश करने के लिए। तो सन्यासी ने उसको बोला तुम जाकर के अपने पत्नी को पूछो, अगर ये पाप का सजा जब आएगा वो भी उसका एक भाग लेंगे क्या, तुम पूछो। अभी वो व्यक्ति जाकर के अपने पत्नी को पूछा, मैं ये मेरा गलती करके पाप करके मैं कमा करके लाता हूँ और तुझे खिलाता हूँ, तू बहुत खुश रहता है, और तू मुझे अगर इसका सजा आने के समय में उसका आधा तू लेगा क्या? मैं क्यों लेगा, तू किया तू उड़ाओ। हाँ देखा, उस समय में वो एकदम हाथ खड़ा कर दिया। तब उसने बोला बाप रे, इसका मतलब मैं इसका सारा सजा उड़ाना, वो सजा पाने के लिए तैयार नहीं और लूटा हुआ बात को खा करके मजा लेने के लिए मनोवती है, है? उसने मन फिरा अपने गलतियों को, गलतियों से मन फिरा। बोले आप तो क्या प्रियो, एक बात जानना, आप जो भी पाप करता है, आप पाप करके कुछ भी करता है, किसी के लिए भी करता है, परंतु पाप का सजा आपके ऊपर आएगा। आपने किया हुआ पाप की सजा आपको ही उड़ाना पड़ेगा। मैं कई बार पिछले दिन में याद दिलाया बात है, चार बात कभी नहीं भूलना। पहली बात मृत्यु, दूसरी बात न्याय, तीसरी बात नरक और चौथी बात स्वर्ग, है ना। हम कभी नहीं सोचता ऐसा समय में मृत्यु आएगा। मरने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता कि मेरा आज का दिन मृत्यु है ना। हम कभी नहीं सोचता, कभी नहीं चाहता ऐसा समय में अचानक मृत्यु आएगा। प्रियो, मरेगा ये हरेक लोगों के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। अभी पिछले दिन में न्यूज़पेपर में पढ़ा, पुटिन बोलता है मुझे कम से कम 150 साल जीना है, इसलिए आयु बढ़ाने के लिए डॉक्टर लोग लगा हुआ रशिया में। आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, ये कोई नया खबर नहीं, पढ़ा ना, ये 2-3 दिन पहले आया हुआ न्यूज है। आयु बढ़ाने के लिए कुछ तो करो, इसलिए डॉक्टर लोग साइंटिस्ट पूरा लगा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड, तो बहुत बड़ी बात है, हमें इस बात को जानना। लोग आयु बढ़ाने चाहता और जो प्रभु आनंद जीवन मुक्त में देता, फिर भी लोगों को नहीं चाहिए बिना दाम की। आप बताओ प्रियो, क्यों? क्योंकि ये बात को ना समझने के लिए शैतान ने लोगों का बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। प्रियो ये बात जानना, अभी हम देखते हैं कि इस जीवन में मैं एक दिन मरेगा, मरेगा तो कहानी खत्म नहीं है प्रियो, वो तो बच्चों के लिए कहानी है। राजा था रानी था, दोनों मर गया, खत्म कहानी। ऐसे है क्या? नहीं प्रियो, मरने के बाद न्याय है। प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने हमारे जिंदगी का हरेक बातों का हमको लेखा देना पड़ेगा, और बिना पक्षपात का न्याय होगा। ओ न्याय के दिन के लिए भी हमें तैयार होना प्रियो, मृत्यु के लिए भी हमें तैयार रहना है, न्याय के लिए भी तैयार रहना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सिर्फ मृत्यु के लिए नहीं, उसे बढ़कर प्रभु को स्वीकारने की तैयारी में, क्योंकि मरने से पहले हमारी पीढ़ी के लोगों में बहुत से लोग रूपांतर होकर उड़ा ले जाने वाला अनुभव आएगा। तो ऐसे ही तो प्रभु से भेंट करने की तैयारी, वो भी एक सच्चा तैयारी है ना। के बाद में प्रियो, अगर जो लोग प्रभु का बातों पर राहों पर नहीं चला, यीशु मसीह को जीव दिल नहीं दिया, वो कहां जाएंगे? हिम्मत से बोलो ना, नरक जाएगा, नरक जाएगा। जिन्होंने प्रभु को दिल दिया, जो प्रभु की इच्छा में चला, वो स्वर्ग में जाएगा, है ना। ये बात सच है। तो आज हमारे दिल क्या गवाही देता है, मैं आज का दिन मेरा आखिरी दिन है तो मैं कहां जाएगा? कितने लोग सच में हिम्मत के साथ बोल सकता है कि मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग जाएगा? जब तक सच्चा उदार का अनुभव नहीं है तो लोग बोलने के लिए थोड़ा सोचेगा, दस बार सच में जाएगा क्या? तो जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, प्रभु ने हमारे ऊपर लिखा हुआ लेख मिटाया या हटा दिया, और वहां पर एक नया लेख आया, ये स्वर्ग के लिए नियुक्त।
स्वर्ग के लिए नियुक्त, ये मेरा है। भाव मनोज आप है, शैतान उसको छू नहीं सकता। ये कितने धन्य बात है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु वो एक साधारण मृत्यु नहीं था, वो कोई आत्महत्या नहीं था, फिर क्या था? वो पराचित का मृत्यु था, मतलब हमारे बदले में था। जब पहला योगना चार अध्याय उसका आदेश हो जाए, पहला योगना चार अध्याय के दस हो जाए, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के, देखा हमारी पापों की प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित के लिए। प्रियो ये दुनिया में प्रायश्चित का बलिदान एक ही हुआ है, वो यीशु मसीह के बलिदान है। हमारे बदले में हम भाभियों के लिए हमारे स्थान में मृत्यु सगा प्राचित के लिए। ये प्राचित की मृत्यु पर जो भी विश्वास करेगा इसका अभी ये मृत्यु सहने कारण प्रेम, प्रभु का प्रेम प्रभु को विवेश किया, अभी के ऊपर प्रभु अपना प्रेम देना चाहा, वो प्रेम प्रकट करना चाहा, प्रभु ने प्रेम प्रकट किया हुआ उस जगह कालवरी सुलिए। प्रभु ये बात को हमें अपनाने के लिए क्या चाहिए, ये प्राचित का बलिदान मेरे लिए था, ये बात विश्वास करना, ये सबके लिए तैयार किया। और जो किसको मिलेगा, रोमियो का पत्री उसका तीसरा अध्याय का 25 अध्याय, ऐसा प्राचीन ठहराया देखा, विश्वास करने से कार्यकारी होता। प्रियो कितनी बार आपने सुना, प्रियो आप आज पाप में मरकर नर्क में जाने की जरूरत नहीं, आपका अब के लिए आप मरना चाहिए उस स्थान प्रभु ने लिया, और मेरी और आपका उस पाप का सजा, पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने सहा। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में ये विश्वास करके वास्तव में मैंने उधार पाया है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए था, ये बात अंगीकार करने वाला व्यक्ति उसका जीवन कैसे नहीं बदलेगा, कभी जरूर बदले। वो फिर ये दुनिया की रीति में नहीं जी पाएगा, वो अपने जीवन प्रभु को देगा और यीशु मसीह उसमें जीवन मिलाएगा। कितना धन्य बात है हम प्रभु का बन करके जीवन मिला पाएगा, एक अनोखा श्रेष्ठ एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ये मौका हमें दिया है। तो मैं आपको अभी भी जिन्होंने अगर अभी तक प्रभु यीशु मसीह को दिल नहीं दिया तो प्रियो आज आपको और एक चांस प्रभु ने दिया है। प्रभु यीशु का सूली का मृत्यु आपके लिए था। आज भी आप ये संदेश सुनने के समय में प्रभु यीशु मसीह को दिल नहीं देता है तो आप मांग करता है मुझे बराबर अच्छा लगता, कौन अच्छा लगता बराबर, मेरे को यीशु नहीं चाहिए, यीशु को सूली पर रख दो मुझे को बराबर चाहिए, ऐसा आपका भावना है क्या? चुनौती आपका एक ही, अब किसकी मांग करता? प्रभु यीशु को अपना दिल दे करके अपनी प्रभु मान करके ग्रहण करेगा, आपको भी ये पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आपके लिए ये, मतलब व्यक्तिगत रीति में हर एक पापी को ये बात को सिखाना है, प्रभु आप मेरे लिए मरा, हमारे लिए नहीं मेरे लिए। आपको कई बार मैंने बताया, और मैं अकेला ये दुनिया में एकमात्र पापी रहेगा तो भी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में मुझे बचाने के लिए आकर सूली पर मरा, क्योंकि प्रभु हर एक लोगों को व्यक्तिगत रीति में प्यार करता है। 100 बेड़ों में एक हो गया, ढूंढ कर गया हुआ वाचा चरवा कौन है, वो हमारे यीशु मसीह, वो हमारा एक प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीखे नंदन में है तो एक जाने दो, ऐसे छोड़ने वाला नहीं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वो एक को ढूंढ करके प्रभु यहाँ पर भी हमारे बीच में है, जो अभी तक जिन्होंने प्रभु को दिल नहीं दिया उनकी और उनकी दिल की द्वार पर प्रभु कड़कड़ा रहा है। क्या आप ये आवाज सुनेंगे? क्या आप इस अच्छा प्रभु को जिसने
आपके लिए है, आपके पापों के लिए इतना भयंकर रीली में कष्ट सका, निंदा सका, बदनाम सका और इतना श्राप मृत्यु भी सका। ओ मेरे प्रिय भाई बहन, हम में से एक भी व्यक्ति जो भजन सुनने के बाद ये प्यार को तुच्छ ना करे, ये प्यार को ना इंगारे, सच्ची बात है प्रभु आपका ही पापों के लिए सूली पर मरा, ये सच्चाई हमने सुना, विश्वास किया, प्रभु को दिल दिया, प्रभु मेरे जीवन में आया, जीवन बदल गया, कितना धन्यवाद है, अनंत जीवन पाया। इसलिए इस बात में हमें यकीन है, आज मर गया मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ मिलेगा, कोई डाउट नहीं, जरा सा भी डाउट नहीं, कोई मेरी धार्मिक का काम के कारण नहीं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, इसलिए प्रभु ने मेरा उद्धार किया, प्रभु ने मेरा पाप क्षमा किया। वो अनुभव आप कहे क्या, ये बात को परे और पक्का निर्णय पाना और निर्णय के साथ जाना, मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग में मिलेगा, जरा भी संदेह है तो वो संदेह दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं, ये बात को सिद्ध करो, नहीं तो धोखा खाएगा, आपका दिल क्या गवाही देता है। ये संदेश सुनने के समय में भी प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रहा है, प्रियो है, कोई डोगी बिना मत करो, धोखा हो जाएगा, मरने के बाद फिर चांस नहीं, एक ही जिंदगी, एक ही चांस, दोबारा चांस नहीं। इसलिए जो भी उद्धार नहीं पाया, यीशु मसीह आपको प्यार से बुला रहे, उस पर विश्वास करके, उद्धार पा करके, एक नया सृष्टि होकर के, प्रभु का बेटा बन करके, ओ प्रभु का बेटा कोई छोटी बात है, प्रभु बड़ा पद भी प्रभु में दे रहा है, शैतान की बेटे को प्रभु का बेटा होने का दिया, वो प्रभु का प्यार है, वो प्यार से हमको बुलाता है। इसलिए आज भी संदेश सुनने वालों में एक भी मिति पाव में जी कर, पाव में मरकर नर्क में ना जाए, प्रभु को बुला रहे, तो ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।